हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन दोस्तों टाइम एंड वर्क समय तथा कार्ड पर आधारित होने जा रहा है। ये जो सेशन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड का टाइमर दिया जाएगा जहाँ कि दोस्तों आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन पाता है नहीं, और उसके बाद दोस्तों इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसा आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। तो 30 सेकंड आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन को समझें और बनाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य करते हैं। यानी दो आदमी हैं ए और बी जो 9 दिनों में 45% काम कर रहे हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा यह हमें निकालना है। दोस्तों ये समय तथा कार्ड पर आधारित प्रश्न है और ये जो दोस्तों चैप्टर है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 45% काम करते हैं। यानी ए और बी है जो कितना काम करते हैं, 45% काम करते हैं, कितना दिन में, तो 9 दिन में। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ए और बी पूरा काम कितना दिन में करेंगे ये हमें निकालना होगा। तो 45/100 कितना होता है, तो 5 × 45 और 5 × 2 = 10, 9/20 हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो 20 है इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 9 है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी ये 20 है जो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 डिवाइड हो जाएगा। यानी अब हमारा क्या आ गया दोस्तों कि ए और बी है जो टोटल काम कितना दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों क्या करना था आपको, 45% 45/100 9/20 आ गया। अब जो 20 था इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 9 होगा जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 9 से 9 कैंसिल आउट करते तो हमारा कितना था, 20 आता। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी ए अकेला इसी काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो बताएं कि बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान अब बन गया, ए और बी के बारे में दिया है कि 20 दिन मिल रहा है, 20 दिन काम करते हैं दोनों मिलकर, और ए अकेला 30 दिन में। सबसे पहला काम क्या है आपको, टोटल वर्क निकालना कि काम है कितना। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो दोनों जो समय दिया गया इसका एलसीएम लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। यानी टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों, 60 हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या है आपको, इफिशियंसी पता करना। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। इफिशियंसी कैसे निकलता है, इफिशियंसी निकलता है आपको टोटल वर्क बटा समय। टोटल वर्क कितना, 60 है, 60/20 यानी 3। यानी ए और बी है जो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, मिलकर 3 काम कर रहे हैं। और 60/30 यानी ए है जो एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोस्तों ए और बी है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, तो ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो अब हमें बी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए 2 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 3 काम। यानी बी कितना काम कर रहा होगा दोस्तों, 1 काम कर रहा होगा। अब बी का एफिशिएंसी पता हो गया दोस्तों, तो बी का क्या निकालना, समय निकालना है, यानी बी का टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना, 60 है, अब बटा एफिशिएंसी बी का कितना एफिशिएंसी है, यानी कार्य क्षमता कितना, 1 आया। यानी 60/1 यानी 60 डेज लगेगा बी को अकेला करने में। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों एक और तरीका से बना सकते थे, कैसे बना सकते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले ए और बी का दिया हुआ आपको 20 दिन, ए 30 दिन, तो आपको कुछ नहीं करना था दोस्तों। क्या करना था दोस्तों, ए और बी का दिया हुआ है कितना दिन दिया हुआ है, 20 दिन और ए 30 दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, तो 20 × 30 करते हैं, 20 × 30 यानी दोनों का, ए और बी और ए का दोनों का मल्टीप्लाई करते समय का। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं एज का,
दोनों का डेज का डिफरेंस लेते हैं कितना होता है, 10 आता, तो 10 दूनी 20 यानी कितना आ गया 60। इस टाइप से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बेसिक बताया दोस्तों, इस टाइप से इस तरह से कीजिएगा तो काफ़ी आपको अच्छा होगा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो हमारा एलसीएम मेथड पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी अपना सकते थे, दोनों को जो दिया था समय उसको मल्टीप्लाई करके बटा में दोनों का डिफरेंस, तो 20 गुने 30 कितना हो गया 600, और 600 बटा 10 कितना हो गया 60, यानी बी कितना दिन टाइम लेगा तो 60 दिन लेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, तो आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, समझने का प्रयास करें और बनाने का प्रयास करें, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सॉल्यूशंस का देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस प्रकार है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी एक साथ समान कार्य को कर सकते हैं। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों ये पूछा जा चुका है आपको SSC CPO 2019 में, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा और सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए दोस्तों कितना दिन में काम करता है, 12 दिन में काम करता है, और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो निकालना क्या है कि ए और बी दोनों इसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, तो इसको करना क्या होता है, ए बी बटा ए प्लस बी इतना ही करना होता है आपको। तो ए कितना है 12 टाइम ले रहा है और बी 18 टाइम ले रहा है, और दोनों को ऐड यानी 12 प्लस 18, ठीक है। तो कितना आएगा दोस्तों 12 गुने 18 बटा में 30 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 6 दुनी 12 6 पर 30 यानी 36 बटा में 5 यानी कितना आएगा दोस्तों 5 × 7 = 35 और 1 यानी 7 whole 1/5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सेवन होल वन बाय फाइव यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, 7 whole 1/5 आपका डेज आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया कैसे करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, देख सकते हैं। तो आपको 30 सेकंड टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन को समझिए और बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा ये निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको SSC MTA 2019 में पूछा जा चुका है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ए अकेला 30 दिन में काम करता है दोस्तों, कितना दिन में काम करता है तो 30 दिन में काम करता है। बी उसी कार्य को 60 दिन में काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों है जो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा रहेगा ये हमें निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है यानी कितना कार्य है, तो जो समय दिया गया उसका कैल्शियम लेंगे 30 और 60, कैल्शियम कितना होगा 60 होगा। उसके बाद दूसरा काम क्या है दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क निकाल गया 60 काम है। दूसरा काम क्या है, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालना। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, 60 टोटल वर्क है बटा टाइम, यानी ए है दो काम करता है एक दिन में 60 बटा 60, यानी बी है जो एक दिन में एक काम करता है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलकर 5 दिन में काम करता है, यानी ए प्लस बी 5, यानी दोनों ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे तो 2 + 1 = 3, तो 5 दिन में कितना काम कर रहे होंगे तो 3 × 5 = 15 काम कर रहे होंगे। कितना काम करेंगे दोस्तों, 15 काम कर रहे होंगे।
हमें निकालना क्या है कि अब अधूरा काम कितना बचा हुआ है निकालना है, कुछ नहीं आपको करना है दोस्तों। टोटल काम कितना कर दिए, 15 काम किए, बटा में टोटल काम है कितना, 15/7। ये काम तो दोस्तों किए हैं 5 दिन में। अब हमें रिमेनिंग निकालना है, तो रिमेनिंग निकालना है क्या करेंगे दोस्तों, 1 में से माइनस कर देंगे। क्या करना है तो 1 में से हमेशा माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/4 तो कितना होगा, 3/4, यानी 3/4 दोस्तों अभी भी क्या है, रिमेनिंग है। फिर समझिए दोस्तों, जब भी आपको रिमेनिंग शेष काम निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। देखिए 15 काम हो गया, तो 15 काम हुआ है कितना में, तो 60 काम में, 15/60। हमें अधूरा काम पता करना है कितना भी बाकी है, तो क्या करेंगे, हमेशा 1 में से घटा देंगे। 1 किसको डिनोट करता है दोस्तों, 1 टोटल को डिनोट करता है, ठीक है। तो 1 माइनस 15/7 किए तो कितना आ गया, 3/4, यानी 3/4 काम अभी भी अधूरा है। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आएगा कैसे करना है इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार देख सकते हैं आप। तो दोस्तों 30 से 30 सेकंड का टाइमर दे रहे हैं, प्रयास कीजिए बनाने का, बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो आइए प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पी और क्यू मिलकर एक कार को 12 दिन में कर सकते हैं, पी अकेला उसी कार को 36 दिन में कर सकता है, तो क्यू अकेले उस कार को का 2/3 हिस्सा कितने दिन में कर सकता है। यानी क्यू अकेले उस कार का 2/3 हिस्सा कितने दिन में कर सके, हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों SSC CPO 2019 में पूछा जा चुका है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले दोस्तों पी के बारे में बोल रहा है कि पी और क्यू मिलकर कार को 12 दिन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है, पी और क्यू मिलकर इस कार को कितना दिन कर सकते हैं, तो 12 दिन में कर सकते हैं, लिख दिए 12 दिन। फिर पी अकेला इस कार को 36 दिन कर सकता है, तो पी 36 दिन कर, ये भी लिख दिए। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों कि आपको टोटल वर्क निकालना है, यानी समय कैल्सियम 12/36 कैल्सियम कितना होगा 36, यानी टोटल वर्क कितना होगा 36 हो गया। फिर दूसरा काम क्या है आपको, टोटल वर्क इफिशियंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क बटा समय, 36/12 कितना हो गया 3, यानी पी और क्यू एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 36/36 यानी 1, यानी पी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है, पी और क्यू मिलकर 3 काम कर रहे हैं और पी अकेला 1 काम कर रहा है, यानी पी है जो 1 काम कर रहा है, तो क्यू कितना काम कर रहा है, 2 काम, यानी क्यू का इफिशियंसी कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, कितना आ गया क्यू का इफिशियंसी, 2 आ गया। अब क्यू का टाइम निकाल लेते हैं, तो क्यू का टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 36 है, तो 36/2 कितना हो जाएगा 18, यानी क्यू का कितना हो जाएगा दोस्तों 36/2 यानी 18 दिन क्यू अकेला लेगा, यानी कितना दिन लेगा 18 दिन लेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्यू है जो 2/3 हिस्सा कितना दिन में करेगा, यानी क्यू है जो 2/3 हिस्सा कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों क्यू है जो टोटल काम 18 दिन में करता है, तो 2/3 हिस्सा कितना दिन में करेगा, तो 18 × 2/3 यानी जो दिन आया है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना दिन आएगा दोस्तों 12 दिन। यानी क्यू है जो 2/3 हिस्सा अपना काम कितना दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार समझ लेते हैं, तो पी प्लस क्यू 12 दिन, पी 36 दिन, टोटल वर्क 36 हो गया, इफिशियंसी कितना हो गया 3 और 1 हो गया, पी का एफिशिएंसी कितना है तो 1 है, तो क्यू कितना हो जाएगा 2 होगा, क्यों, क्योंकि 3 टोटल है। फिर क्यू का टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी होता है, टोटल वर्क कितना है 36 है, एफिशिएंसी कितना है क्यू का 2 है, यानी 18 दिन होगा, यानी क्यू पूरा काम 18 दिन करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्यू है जो 2/3 हिस्सा कितना दिन में करेगा, तो 18 × जो टाइम है उसी को 2/3 कर देंगे, तो 18 × 2/3 यानी कितना आ गया हमारा 12 दिन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4th भी समझ में आ गया हो कैसे करना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो दोस्तों फिर से टाइमर दिया जाता है 3 सेकंड का, प्रयास कीजिए बनाने का और समझने का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो जेड उसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है, ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटीए 2019 में पूछा जा चुका है, तो काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आइए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक्स के बारे में बोल रहा है कि एक्स है जो 15 दिन में काम करते हैं अकेला, वाई इसी कार्य को 30 दिन में करता है, और तीनों मिलकर यानी x प्लस वाई और प्लस जेड तीनों मिलकर 9 दिन में काम करते हैं। तो जेड का हमें निकालना है कि जेड अकेला कितना दिन में काम करेगा, ठीक है, अकेला कितना दिन में काम कर पाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो 15 10 9 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 90 होगा, ये तो आप जानते हैं। तो 90 हमारा क्या होगा दोस्तों, टोटल वर्क आ गया, ठीक है, कितना आ गया दोस्तों हमारा 90, हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 90। उसके बाद दूसरा काम क्या है दोस्तों, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालना। इफिशियंसी क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क बटा समय, टोटल वर्क कितना है 90 बटा 15 कितना होगा 6, यानी एक्स है जो एक दिन में 6 काम करता है, 90 बटा 30 कितना होगा 3, यानी वाई है जो एक दिन 3 काम करता है, 90 बटा 9 यानी 10 यानी तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। तो दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, तो x है जो कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है, y है जो 3 काम कर रहा है, z कितना काम कर रहा होगा 1 काम कर रहा होगा, तब तो 6 प्लस 3 प्लस 1 10 हो गया, यानी तीनों मिलकर 10 काम करते हैं। अब हमें निकालना है z का समय, z का क्या निकालना है, समय, z का टाइम। तो z का टाइम क्या होगा दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, मैंने आपको बता रखा है टोटल वर्क कितना है 90 है, तो 90 अब बटा इफिशियंसी, जेड का इफिशियंसी कितना है, तो जेड का इफिशियंसी 1 आया, तो 90 बटा 1 यानी 90 दिन, यानी जेड है जो कितना टाइम लेगा दोस्तों, तो 90 दिन लेगा, 90 डेज, यानी कौन सा ऑप्शन है, अकेला काम करेगा तो कितना लेगा दोस्तों, 90 दिन लेगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ दोस्तों 90 डेज, ठीक है, दिख रहा है दोस्तों, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है दोस्तों, यदि आपको प्रैक्टिस कर ले तो, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार जैसा देख सकते हैं आप। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड टाइमर दिया जा रहा है, आप समझने का प्रयास करें क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, यानी ए अकेला 15 दिन में कार्ड कर सकता है और बी अकेला 10 में कार्ड कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी है जो 2 दिनों के बाद छोड़ देता है, यानी ए और बी एक साथ काम करते हैं लेकिन बी है जो 2 दिन तक काम करता है उसका छोड़ देता है। अब ए शेष कार्य को पूरा करता है, कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों यानी टोटल टाइम निकालना है आपको, कुल दिनों की संख्या क्या है यह हमें निकालना है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इजी भी है। आइए समझते हैं कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले ए के बारे में बोल रहा है कि ए अकेला 15 दिन में काम कर सकता है और बी है जो 10 दिन में काम कर सकता है, यहाँ समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख लेते हैं कि ए और बी है जो दोनों एक साथ कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है ए अकेला अब काम करता है, ठीक है, यानी बी है जो 2 दिन काम करता है, दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कहने का क्या है कि ए और बी 2 दिन काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना आपको। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो समय कैल्शियम, 15 और 10 कैल्शियम कितना होगा 30 होगा। उसके बाद आपको इफिशियंसी निकालना, कार्य क्षमता, इफिशियंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा टाइम, टोटल वर्क कितना है 30 है, 30 बटा 15 कितना होगा 2, यानी ए है जो एक दिन 2 काम करता है, 30 बटा 10 यानी ए बी है जो एक दिन 3 काम करता है, यहाँ निकल गया ए है जो एक दिन 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अब 2 दिन में 2 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं ए और बी, ठीक है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 + 3 = 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 × 2 यानी 10 काम करेंगे, यहाँ तो समझ में आ गया आपको 10 काम करेंगे। अब टोटल काम कितना है 30 है, तो रिमेनिंग कितना जो बचा कितना होगा हमारा, 30 माइनस रिमेनिंग वर्क कितना होगा दोस्तों,
तो 30 माइनस 10 यानी 20 काम होगा, और जो 20 काम होगा दोस्तों वो कौन करेगा, वो ए करेगा। तो ए का हमें निकालना है टाइम, ए का क्या निकालना है टाइम, तो टाइम कैसे निकलता है, वर्क बटा इफिशियंसी। अब ए को कितना काम करना है, 20 काम करना है, जो बचा हुआ काम है तो 20 बटा ए का इफिशियंसी कितना है, ए एक दिन में कितना काम करता है, दो काम करता है, यानी 10 हो गया। यानी यहाँ तो कितना काम कर रहा है, यहाँ दो काम कर, दो दिन काम किया, टू दिन काम किया, और ये यहाँ कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया। अब हमें पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा काम समाप्त होने में, तो दो दिन दोनों मिलकर काम किए हैं ए और बी, उसके बी काम छोड़ देता है और ए जो अधूरा काम है उसको कंप्लीट करता है। तो हम लोग निकाल लिए कि ए अधूरा काम कितना दिन काम कर रहा है, 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो ए है जो अधूरा काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और ए और बी दो दिन काम करना लगता है, तो टोटल काम कितना, टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, तो टोटल टाइम हो गया दोस्तों 2 + 10 यानी 12 दिन। फिर से समझते हैं दोस्तों, देखिए ए 15 दिन, बी 10 दिन, यहाँ समझ में आ गया, टोटल वर्क 30 दिन, टोटल वर्क 30 हो गया। हमें इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ए और बी है जो 2 दिन काम करते हैं लगातार, उसके बाद बी है काम छोड़कर चल जाता है, यानी ए और बी 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 5 × 2 = 10 काम हो गया। अब अधूरा काम कितना है, तो टोटल काम 30 है, इसमें से 10 काम हो चुका है, तो अधूरा काम कितना रहेगा, 20 होगा, और 20 काम को कौन कर रहा है, ए अकेला कर रहा है, तो ए के द्वारा लगा गया समय अधूरा काम करने में कितना होगा, तो यहाँ निकाले हैं 20/2 यानी 10 दिन। अब टोटल टाइम कितना होगा, तो ए और बी 2 दिन और ए अकेला 10 दिन, यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है, 12 दिन, ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन 7 इस प्रकार है, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है, सॉल्व करने का प्रयास करें। दोस्तों समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों एक अलग टाइप का यह प्रश्न है, तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं इसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिन में यही कार्य 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, हमें निकालना है। ऑप्शन दिया है 64, 72, 56, 36, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न SSC CHSL 2020 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 पुरुष यानी 5 men + 8 महिलाएं 8 women हैं, जो कितना दिन काम करते हैं, 34 में काम कर सकते हैं। तो हमें निकालना है कि 4 पुरुष यानी बराबर 4 पुरुष 4 मैन प्लस 18 महिलाएं कितना दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है आपको 28 दिन में। तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों, सब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, तो 34 तो 17 हो गया, ये कितना होगा 14 हो गया। अब हम लोग करते हैं 17 × 85 m प्लस में ये 17 × 8 कितना होगा 36 से बराबर में 14 × 4 = 56 m प्लस में 14 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 180 + 72 = 2 15 252 m, ठीक है। तो 252 यहाँ W है ना दोस्तों, 18 W यानी 252 W निकल के आ जाएगा। एक और देखते हैं 2 × 8 = 15 252 W। अब सॉल्व करते हैं, ये 85 m है, ये 56 m, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 85 में से 56 घटा कितना आएगा हमारा 29 m, तो 29 m कर लिए, 29 m आया, तो 29 m बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 252 में 136 घटाएंगे, कितना आएगा हमारा 252 में 136 घटाएंगे, 6 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कितना हो गया 116, यानी 116 W हो गया। अब 29 से कितना बार में कटेगा 116 दोस्तों, 4 बार में, यानी एम रेशियो डब्ल्यू कितना आ गया हमारा, तो 4:1 आ गया, यानी मेन का एफिशिएंसी कितना आ गया दोस्तों, 4 है, ओमेन का कितना है 1 है। अब हमें क्या करना है, कोई इस इक्वेशन या इक्वेशन कोई एक इक्वेशन को चूज कीजिए और वैल्यू को पुट कीजिए, उससे क्या होगा हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग लेते हैं इक्वेशन, तो 5 m यानी कितना हो गया 20 हो गया, 5 × 4 = 20 हो गया, 20 + 8 × 1 यानी 28 हो गया, तो 28 × 34 टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 28 × 34 आ गया। ये समझ में आ गया दोस्तों, एम का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, तो 5 × 20 W का 1 यानी 20 + 8 कितना हो गया हमारा 28 × 34 यानी 28 × 34 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी काम को
तीन पुरुष तथा पांच महिलाएं कितने दिन करेंगे? इसी काम को तीन पुरुष और पांच महिलाएं, कौन महिलाएं? पांच महिलाएं। तो पांच महिलाएं कितने दिन में काम करेंगे? 28 × 34, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, ये हम लोग करेंगे वैल्यू पुट, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो एम का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 12 हो गया, 12 पर 17 हो गया, यानी हमारा 17D बराबर कितना आ रहा है? 28 × 34 आ रहा है। तो 17 × 34 यानी डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 56। यानी तीन आदमी और पांच औरत इसी काम को कितना दिन करेंगे? 56 दिन में। यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को दोस्तों कुछ 40 सेकंड 45 सेकंड टाइम लगेगा, 30 सेकंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक और कर लेते हैं, तो पांच आदमी 8 वुमेन 34 दिन में, 4 आदमी 18 वुमेन 28 दिन में। सॉल्व किए, हमारा एफिशिएंसी आ गया 451 आ गया। फिर हमें टोटल वर्क निकाल लिया, जैसा मैंने आपको बताया वैल्यू को पुट करना था किसी एक इक्वेशन में, या तो ये इस इक्वेशन में पुट करते जाए इस इक्वेशन में, दोनों में क्या था? टोटल वर्क हमारा सेम आता, तो कितना आया? 28 × 34 है टोटल वर्क। अब हमें निकालना है तीन आदमी और पांच वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो निकाले दोस्तों तो कितना आ गया हमारा? 56 दिन आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर से टाइमर 30 सेकंड का दिया जा रहा है आपको, सॉल्व करने का प्रयास करें। तो दोस्तों समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एक काम का एक तिहाई 5 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य सी द्वारा 18 दिन में पूरा किया सकता है। अकेले सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह हमें निकालना है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, SSC MTA 2019 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ए के बारे में बोल रहा है कि ए है जो एक तिहाई हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा 5 दिन करता है, यानी पूरा काम करेगा कितने दिन में? ये 1 है जो दोस्तों डिवाइड में चल जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में, यानी 15 दिन में ए है जो पूरा काम कर पाएगा, ठीक है। अब बी के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि बी है उसी काम को 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, यानी बी है दोस्तों उसी काम का 2/5 भाग कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। तो बी है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा, ये हम कैसे निकलेंगे? तो 2 है जो डिवाइड में चल जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी 2×5 = 10 हो गया, ये 5×5 = 25, यानी बी है जो पूरा काम 25 दिन में करेगा, ठीक है। अब निकल के हमारा आ गया ए पूरा काम 15 दिन में और बी पूरा काम 25 दिन में। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? समय कैल्शियम 15 और 25 कैल्शियम कितना होगा? 75 होगा, यानी टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 75 आ गया। उसके बाद दूसरा काम क्या है दोस्तों? इफिशियंसी निकालना। इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क बटा टाइम, तो 75/15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा, यानी ए है जो एक दिन में 5 काम कर रहा है। 75/25 यानी बी है जो एक दिन में 3 काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों? ये वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी है दोस्तों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों? 5 है। कितना है दोस्तों? 5 है, यानी ए है जो एक दिन में 5 काम करता है, और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, यानी बी है जो एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर दोस्तों एक दिन में 5 और 3 = 8 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? 8 × 6 यानी 48 काम करेंगे, यानी 48 काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं, जो अधूरा काम बचा रहता है वो सी करता है कितना दिन में? तो सी है जो करता है दोस्तों 18 दिन में, ठीक है, यानी सी है जो अधूरा काम 18 दिन में करता है, यानी टोटल काम कितना है? 75, जिसमें 48 काम हो चुका है दोस्तों। तो रिमेनिंग काम कितना बचा दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, 48/75 काम हो चुका है। कितना हो चुका है दोस्तों? 48/75 काम हो चुका है। आपको क्या करना है दोस्तों? तो 1 माइनस करना होगा, 1 माइनस, तो कट रहा है 3 से, कट रहा है दोस्तों, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया, ठीक है, ये 16/25 हो गया। अब दोस्तों 1 माइनस कर देंगे तो हमारी रिमेनिंग काम निकल के आ जाएगा, तो कितना आएगा हमारा? 9/25 काम,
9 बटा 25 काम, ये हमारा अधूरा है 9 बटा 25 काम। यानी दोस्तों अब जो सी आ रहा है वो 9 बटा 25 काम कर रहा है दोस्तों, कितना दिन में? 18 दिन में। कितना दिन में दोस्तों? 18 दिन में। हमें निकालना है सी है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो सी है दोस्तों टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कितना होगा दोस्तों? तो 9 बटा 25 काम 18 दिन में, तो टोटल कैसे निकालते हैं? तो 9 से डिवाइड होगा 18 दो बार में और 25 से मल्टीप्लाई होगा। यानी सी है दोस्तों इसी काम को पूरा काम 50 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 50 डेज में करेगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों? तो ए आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आंसर हो गया। फिर से समझिए दोस्तों क्या करना है आपको। ए है जो एक तिहाई 5 दिन में, तो ए पूरा काम 15 दिन में। बी है जो 2/5 काम 10 दिन में, यानी बी है जो टोटल काम 25 दिन में। टोटल वर्क निकालिए 75 आ गया। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया दोस्तों? ए का एफिशिएंसी 5 आ गया, यानी ए एक दिन में 5 काम करा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 आ गया, यानी बी है जो एक दिन 3 काम करता है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, यानी ए एक दिन में 3 काम करा, बी एक दिन में 5 काम करा, दोनों मिलकर कितना काम करें? 8 काम करा है। यानी 6 दिन में 8 × 48 काम। हमारा अधूरा काम कितना हुआ दोस्तों? वो सी करेगा, यानी सी अधूरा काम 18 दिन में करता है। तो 18/48/75 48 काम हो चुका है, कितना में? 75 में। तो 48/75 हमें अधूरा काम निकालना है, यानी 1 माइनस कर देंगे हम लोग, तो 9/25 काम अभी भी बाकी है। जो कौन कर रहा है? सी करेगा। तो सी है जो 9/25 काम 18 में करता है, तो पूरा काम कितना दिन करेगा ये हमें निकालना है। तो 18 कटा 9 से कितना? 2 बार में, और 25 नीचे था मल्टीप्लाई हो गया। यानी सी है जो पूरा काम 50 दिन में करेगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रहता है अगर आप समझ पाएंगे तो, ठीक है। तो SSC MTA 2019 में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड 30 सेकंड का आपको टाइमर दे रहे हैं, सॉल्व करने का प्रयास करें। काफी इजी है दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 22.50 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ काम कर सकते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा प्रश्न SSC MTA 2019 में पूछा जा चुका है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए है जो 20 दिन में दोस्तों काम करता है और बी का दिया हुआ है कि 22.50। तो दोस्तों 22.50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 22.5 है। क्या है दोस्तों? 22.5 है। तो 22.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 45/2 लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ये वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी है जो 6 दिनों तक दोस्तों एक साथ काम करते हैं, लिख लिए हम लोग। तो बोल रहा है कि शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जा सकता है। कितना दिन में? 26 दिन में। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20 इस देखिए ये फ्रैक्शन में है, 45/2 ये 20 में है। तो इस टाइप का जब भी आपको दिखे दोस्तों एक फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन में रहे, तो आपको न्यूमरेटर कैल्शियम लेना है, यानी 20 और 45 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकलता है? तो टोटल वर्क बटा समय, यानी 180/20 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 180/45/2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 45 से कटा 4 बार में ए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी बी का एफिशिएंसी कितना है? 8 आ गया, यानी बी है जो एक दिन में 8 काम कर रहा है, एक दिन में 9 काम कर रहा है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन 6 दिन में एक साथ काम करते हैं, यानी 9 + 8 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 × 8 = 17, 17 × 6 कितना हो जाएगा? 17/35, 17/6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17/5 = 85, 17/6 = 2 यानी 102 हो जाएगा, यानी 102 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 102 आ गया ना, यानी 102/180 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है? 102/180। अगर रिमेनिंग पता करना है दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हो जाएगा। रिमेनिंग कौन काम कर रहा है? सी कर रहा है। कितना दिन में? 26 दिन में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 51 हो गया, ये हमारा 90 हो गया। अब 90 - 51 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों?
90 माइनस 51 करेंगे तो ये 9 हो गए 8, 39, यानी 39 बटा 90 हो जाएगा। कितना बटा 90 हो जाएगा दोस्तों? 39 बटा 90 काम अभी भी हमें करना बाकी है, ठीक है। और सी है जो कितना दिन में करता है, तो 26 दिन में करता है दोस्तों। सी द्वारा 26 दिन में काम किया जाता है। 39 बटा 90 काम कितना 26 दिन में किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये सी अब जो बचा हमारा जो अधूरा काम, ये कितना है, 39 बटा 90 है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। तो रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, तो रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है दोस्तों? सी कर रहा है। कितना दिन में? 26 दिन में। यानी सी 39 बटा 90 काम 36 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितना दिन करेगा दोस्तों? तो सी बराबर हो जाएगा, ये 90 मल्टीप्लाई 26 में चल जाएगा, 26 को 90 अब बटा में 39 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 से काटते हैं, 13 दून 26, 13 तीन 39, फिर 3 से 30 बार में, यानी 60 दिन में दोस्तों क्या हो जाएगा, सी है जो पूरा टोटल काम कर पाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका, तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 8, 9, 12, 10 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी 60 दिन आ रहा है दोस्तों, तो नन ऑफ दीज होगा। देखिए 13 दून 26, 13 दून 40, 3 3 90 हो गया, तो 30 दून 60 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई एक रहना चाहिए था, 60 दिन आपका आंसर आएगा। एक और समझ लेते हैं, ए है जो 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, बी है जो 22.5 यानी 45 दो, टोटल वर्क निकाले 180, उसका इफिशियंसी निकाले 20 9 दिन में और बी 8 दिन में, ठीक है। 45 चौको और 4 दिन 8 हो गया। उसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 दिन एक साथ काम करते हैं, कितना दिन काम करते हैं दोस्तों? 6 दिन। तो ए और बी 6 दिन, यानी 9 8 17 हो गया। तो 17 × 6 कितना होता है? 17 × 7 = 2 से 102 काम हो गया, यानी 102/180 यानी कितना हो गया? 2 × 5 = 10 = 51 और 90 हो गया, 90 हो गया। अब हम 90 में से 51 माइनस किए तो 90 और 51, तो 9 हो गया 8 39 काम, यानी 39/90 हो गया। तो सी है जो 39/90 काम कितना दिन लिखा है? तो 26 दिन में। तो सी 39/90 काम 26 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में? तो 26 × 90/39, 13 × 26, 13 × 39, फिर 3 से कटा 30 बार में, यानी हमारा 60 आंसर आएगा दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों? 60 आंसर। सॉरी, तीनों एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे हमें निकालना है। सॉरी फ्रेंड, तीनों एक साथ यानी तीनों का निकालना है हमें। तो ए का तो निकाल चुके हैं हम लोग, ए का दिया हुआ था 20, बी का दिया हुआ था 45/2 और सी का कितना आ गया उसमें? 90 आ गया ना, सी का कितना आ गया? 90 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का निकाल लेंगे। तो एलसीएम को पता है कितना लेंगे, 20 45 90 का 180 है। फिर इफिशियंसी हमें निकालते हैं, इफिशियंसी भी पता है, कितना इफिशियंसी है दोस्तों? 9 है, 8 है और इसका कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो आराम से निकाल लीजिए, हमें निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 180। तो 180 बटा में 9 8 17 2 18, टोटल एफिशिएंसी 18, यानी 10 दिन लगेगा दोस्तों तीनों को इस काम को पूरा करने में। कितना दिन लगेगा दोस्तों? 10 दिन। तो अब दोस्तों हम नीचे वाला पढ़ ही रहे थे, नहीं फ्रेंड्स हम नीचे वाला नहीं पढ़ रहे थे, इसके कारण मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, क्यों? क्योंकि आपका दिया हुआ है टोटल निकालने के लिए कि तीनों मिलकर, यहाँ सी का हमें निकाले 90 दिन आ रहा था, सॉरी सी का किनारा 60 दिन आ रहा था, सी सॉरी फिर यहाँ गलत कर दिए, सी का किनारा दोस्तों 60 दिन आ रहा था, यानी एफिशिएंसी कितना आएगा? 3 आएगा, यानी आपको यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना तो 20 हो जाएगा, यानी आपका 20 दिन दोस्तों आंसर है। कितना दिन आंसर है दोस्तों? 20 दिन। तो फिर से यहाँ गलत आ रहा है दोस्तों, सी कितना हो गया? 30 × 60 हो गया, 60 3 हो गया, 9 8 17 17 × 20 20, तो 20 6 ना 20 9, यानी 9 दिन आ रहा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो मिस्टेक होता रहता है, फिर समझ लेते हैं, सी का कितना गया? 60 दिन आ गया। तो ए 20 दिन दिया था, बी 45/2 और सी 60, तीनों का कितना है? 180 टोटल वर्क है, उसके एफिशिएंसी निकाले 9 8 17 और 17 × 20, ठीक है। तो 180/20 कर लिए तो 9 दिन आ गया हमारा टोटल टाइम, यानी तीनों के द्वारा टोटल लगा समय कितना है? 9 दिन है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।